कहीं समय रसोई घर आज बहुत ही जबरदस्त एक कढ़ाई की वैरायटी लेकर आपके पास आई हूँ। सिचुआन कढ़ाई बहुत ही स्पाइसी और हटके ये रेसिपी है। सिचुआन कढ़ाई बनाने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है, हाफ के जी मेरे पास चिकन है, हाफ टेबल स्पून कुटी हुई सुरख मिर्च है, 1 टीस्पून नमक है, हाफ टी स्पून सफेद मिर्च का पाउडर है, हाफ टी स्पून चिकन पाउडर है, 2 टेबल स्पून सोया सॉस है, 2 टेबल स्पून चिली सॉस है, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1/4 कप दही है, 1 छोटी प्याज से इसे मैंने स्क्वायर पीसेस में काट लिया है, इस तरह आधी शिमला मिर्च उसे मैंने स्क्वायर पीसेस में काट लिया है, और 1 छोटा टमाटर है इसे भी स्क्वायर पीसेस में काटा है। 3 टमाटर है इन्हें मैंने ब्लेंड कर लिया है। थोड़ी सी अदरक जाएगी ऊपर से गार्निश करने के लिए, और हरा धनिया है गार्निश करने के लिए। तो ये स्टार्ट करते हैं। मैंने देखिए के अंदर 1/4 कप ऑयल लिया है, इसके अंदर हम अदरक लहसुन डालेंगे और उसे फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक फ्राई हो गया है, इसके अंदर अब हम डालेंगे चिकन, इसके अंदर डाल देंगे नमक और इसे अच्छी तरह मैं फ्राई करूंगी तब तक कि चिकन का जो है वो कलर चेंज ना हो जाए। चिकन का कलर चेंज हो चुका है, इसके अंदर मैं डाल दूंगी ब्लेंड किए हुए टमाटर, फिर मिर्च का पाउडर, कुटी हुई सुरख मिर्च, सॉस, चिकन पाउडर और चिली सॉस, पहले इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 5 से 7 मिनट पकने के लिए रख दूंगी। चिकन ऑरेंज जो है वो गल चुका है, तो दही मैंने रखी थी वो इसे मैंने हल्का सा जो है सॉस के साथ बीट कर लिया है। और इसे तेज आंच के ऊपर हमने पकाना है, दही का पानी है वो ड्राई हो जाए, तेल सेपरेट हो जाए। जी मैंने भून लिया है, दही का पानी खुशक हो चुका है और सेपरेट हो चुका है। इस स्टेज के ऊपर वेजिटेबल्स मैंने काटी थी, शिमला मिर्च और प्याज वो डाल देंगे। टमाटर हम अभी नहीं डालेंगे, जब आपने सर्व करना हो तब हम टमाटर इसके ऊपर ऐड करेंगे। अगर आपने ज़रा देर के बाद सर्व करना है तो आप फिर टमाटर भी नहीं डालेंगे, और अगर अभी सर्व करना है तो साथ ही टमाटर डाल देंगे। अदरक थोड़ी सी अदरक के ऊपर गार्निश के लिए रख दूँगी, हरा धनिया करेंगे। अब वेजिटेबल्स डालकर हमें ज़्यादा इसे कुक नहीं करना, इसे अभी सर्व करना है इसलिए मैं इसमें टमाटर अभी डाल दूंगी, लेकिन हमने टमाटर डाल के इसे पकाना नहीं है, बस ये याद रखिएगा। हमारी सिचुआन कढ़ाई ज़बरदस्ती तैयार है, इसे मैं सर्विंग बाउल में निकालूंगी। बेहतरीन सी सिचुआन कढ़ाई हमारी तैयार है, बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी ये रेसिपी बनी है, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कैसे आप लोगों को कैसी लगी। मेरे चैनल समय रसोई घर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि आपको नई से नई वीडियोज़ और रेसिपीज मिलती रहें। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।